नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय होता है देवगुरु बृहस्पति, क्यों कि ये इंसान की सबसे ज्यादा इच्छित और सबसे ज्यादा जरूरत धन का कारक ग्रह है। और देवगुरु बृहस्पति के धन का कारक होने के साथ देवगुरु का कुंडली के 12 भावों से किस प्रकार का संबंध बनता है और वो किस प्रकार की दृष्टियों से कहाँ बैठकर किस ग्रह पर किस भाव पर दृष्टि डालकर आपको किस प्रकार से धन संपत्ति की व्यवस्था करते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति सदैव आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी मेहनत का पैसा, आपके ज्ञान के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार, आपके वजूद के अनुसार आपको पैसा देते हैं। कभी भी देवगुरु बृहस्पति 2 नंबर का पैसा आपको नहीं देते हैं। ये एक अलग बात है कि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां कुंडली में ऐसी भी हो सकती हैं जो जातक बहुत ज्यादा धनवान हो, और यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कुंडली में इस तरह की हो सकती है कि जातक को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये देवगुरु की स्थितियों पर निर्भर करता है कि देवगुरु किस ग्रह की राशि में बैठे हैं, कितनी डिग्री के होकर बैठे हैं, कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है, कौन से भाव में बैठे हैं, इन सब चीजों का देवगुरु की स्थिति पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति किसी भाव में बैठे हैं तो वो अपने स्वभाव के अनुसार आपको क्या प्रदान कर रहे हैं, चर्चा इस बात की करते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के लग्न में अर्थात कुंडली के पहले भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो उनकी दृष्टि कुंडली के पंचम स्थान पर, कुंडली के सप्तम स्थान पर और कुंडली के नवम स्थान पर पड़ती है। लग्न में देवगुरु बैठते हैं, जातक को योग्यताएं प्रदान करते हैं। उन्हीं योग्यताओं के बल पर जातक कुंडली के पंचम स्थान से, पंचम स्थान अर्थात जनता के धन का स्थान अर्थात ख्याति का स्थान अर्थात संतान भाव। तो आज हम बाकी सभी विषयों पर चर्चा छोड़कर केवल धन, किस प्रकार से धन जातक को मिल सकता है, किस भाव पर दृष्टि बृहस्पति की पड़े और उसको किस तरह से उसको धन की व्यवस्था यहां पर देवगुरु कराते हैं, आज चर्चा इस विषय पर आपसे करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब लग्न में बैठते हैं, कुंडली के पंचम स्थान को देखते हैं, यहां पर दृष्टि पड़ने से जातक को संतान के माध्यम से, जातक को अपनी शिक्षा के माध्यम से, जातक को अपनी ख्याति अपनी बुद्धि के माध्यम से धन अर्जन होता है। अब ये जातक की अपनी योग्यताएं हैं कि उसको पंचम स्थान का लाभ देवगुरु के माध्यम से कितना मिलता है। दूसरी दृष्टि देवगुरु की सप्तम स्थान पर पड़ती है। सप्तम स्थान आपके कारोबार का स्थान है, सप्तम स्थान आपके जीवन साथी का स्थान है। लग्न पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो वो वहां ये तय करते हैं कि आपको अपनी पत्नी के माध्यम से या अपने पति के माध्यम से, जीवन साथी के माध्यम से या अपने कारोबार के माध्यम से आपको किस तरह के लाभ होंगे। अब मान के चलिए यदि सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति की मित्र राशि मंगल या सूर्य की राशि हो तो, या देवगुरु की अपनी राशि हो 9 और 12, तो इस स्थान से देवगुरु के किसी भी प्रकार से, चाहे कारोबार से चाहे पत्नी के माध्यम से, धन के अर्जन की संभावनाएं ज्यादा होंगी।
लेकिन लग्न में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और सप्तम स्थान में शुक्र की राशि हो, शनि की राशि हो या बुध की राशि हो, तो धन अर्जन का स्तर मध्यम रह सकता है, लेकिन धन अर्जन की संभावना से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि देव गुरु का नैसर्गिक गुण है धन प्रदान करना, संपत्ति प्रदान करना। इसी तरह से देव गुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि, नवम दृष्टि, कुंडली के नवम भाव अर्थात आपके भाग्य पर पड़ती है। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पर पड़ती है तो जातक के भाग्य को बढ़ाने का काम देवगुरु करते हैं। अब भाग्य में आपके नवम भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, उसके स्वामी की स्थिति कुंडली में क्या है, यदि नवम भाव के स्वामी की स्थिति कुंडली में अच्छी है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है और नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जातक को भाग्य से धन कमाने के बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिलते हैं। जातक का आध्यात्मिक रवैया होता है, जातक उच्च शिक्षा की तरफ भी जा सकता है और उच्च शिक्षा के माध्यम से भी अच्छा पैसा कमा सकता है। बात होती है कि जिस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है उस स्थान के स्वामी की स्थिति कुंडली में क्या है। बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव में। यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और उनकी पहली दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी, तो यहां देवगुरु बृहस्पति आपके ननिहाल से, जातक के ननिहाल से धन अर्जन कराना संभव कर सकते हैं यदि देवगुरु की स्थिति कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी है। जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर देवगुरु की दूसरी दृष्टि पड़ती है अर्थात सप्तम दृष्टि, यहां से जातक को उसकी पैतृक संपत्ति दिलाने में, उसको कोई वसीयत दिलाने में या उसको बुजुर्गों की कमाई हुई कोई दौलत दिलाने में, जो उसका अधिकार है दिलाने में, देवगुरु बृहस्पति की भूमिका रहती है। कुंडली में दूसरे भाव में यदि बृहस्पति हो तो देवगुरु की तीसरी दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ती है। यहां बैठकर जातक को उसके कर्मों से, उसके द्वारा किए गए कामों से धन अर्जन की सुविधा बृहस्पति उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल ऐसी स्थिति बनाते हैं कि जातक को उसके कर्म का फायदा मिले, उसके काम फलीभूत हो। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति, दोस्तों जन्म कुंडली का तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जिसके बारे में शास्त्रों में यह वर्णित है कि यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति की बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तीसरे भाव को भी छठे, आठवें और बारहवें भाव की तरह अच्छा भाव नहीं माना गया है। तीसरा भाव हालांकि पराक्रम का है, अष्टम से अष्टम अर्थात मृत्यु आयु मृत्यु भाव से आयु मृत्यु भाव अर्थात प्रबल मृत्यु भाव का है। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की काफी एनर्जी लगती है और तीसरे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो जातक के जीवन में संघर्ष धन को लेकर होता है, यह तय है। जातक का कोई काम जीवन में रुकेगा नहीं, जातक का भाग्य प्रॉपर वे में उसका साथ देगा। जातक की पत्नी अच्छी होगी, जातक की पत्नी पैसा कमाने में उसका सहयोग करेगी, क्यों कि कुंडली के सप्तम स्थान पर बृहस्पति की पहली दृष्टि पड़ती है अर्थात पंचम दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ती है,
तो यहां बैठकर जातक की पत्नी उसका सहयोग करती है, उसके पार्टनर उसका सहयोग कर सकते हैं पैसा कमाने में। लेकिन क्योंकि तीसरा भाव अपने आप में बृहस्पति की ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो बृहस्पति की क्षमताएं उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होती यहां पर, जो बृहस्पति आपको आसानी से किसी चीज को उपलब्ध करा सके। सप्तम दृष्टि भाग्य पर पड़ती है, यानी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि बृहस्पति बैठेंगे तो उनकी दृष्टि, सातवीं दृष्टि उनकी कुंडली के नवम भाव पर होगी। तो यहां देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को इतना प्रबल करते हैं, इतना मजबूत करते हैं जातक के भाग्य को, कि जातक का भाग्य, चाहे भाग्य का स्वामी कोई भी हो, क्योंकि बृहस्पति के जस्ट अपोजिट सप्तम स्थान नवम भाव पड़ता है, जातक का भाग्य उसका साथ देता ही है। संघर्ष जरूर होते हैं, संघर्षों में कोई कमी नहीं होती, लेकिन भाग्य उसका साथ देता है। ऐसा नहीं होता कि जातक को दर दर की ठोकरें खानी पड़े। देवगुरु बृहस्पति जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं तो उनकी नवम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ती है, ग्यारहवें भाव पर पड़ती है। यदि जन्म कुंडली के अंदर ग्यारहवें भाव के स्वामी की स्थिति ठीक नहीं है तो जातक को धन के लिए, लाभ के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। जो भी हम आपको बृहस्पति की दृष्टियों से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये हमारा अपना हजारों कुंडलियों पे आजमाया हुआ तजुर्बा है। यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बृहस्पति बैठकर कुंडली के ग्यारहवें भाव पर दृष्टि डालेंगे, नवम दृष्टि ग्यारहवें भाव पर पड़ेगी। अगर ग्यारहवें भाव लाभ स्थान के स्वामी की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तो आप ये तय माने कि जातक को धन कमाने में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। आजमा के देख लीजिए, यदि किसी की कुंडली में तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हो और उसकी कुंडली के ग्यारहवें भाव के स्वामी कुंडली में ठीक स्थिति में न हो तो जातक को पैसा कमाने में, धन कमाने में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कहावतों में नहीं चलना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति धन बहुत देते हैं और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति हो अच्छी हो तो जातक को बहुत धन मिलता है। किताबी बातों से बाहर निकलकर वास्तविकता का सामना करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, बृहस्पति धन की स्थिति को मजबूत करते हैं लेकिन तपा देते हैं, मेहनत करवाते हैं। जन्म कुंडली के चौथे भाव में यदि बृहस्पति बैठे हैं तो पहली दृष्टि अर्थात पांचवी दृष्टि कुंडली के अष्टम स्थान पर पड़ती है। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति जातक को बिना कमाया धन, अर्थात अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है तो जातक को उसके बुजुर्गों के माध्यम से, जो उनके बुजुर्गों ने कमाया होगा उसके माध्यम से धन की प्राप्ति या संपत्ति की प्राप्ति करा सकते हैं। जन्म कुंडली के चौथे भाव में बृहस्पति बैठेंगे तो दशम भाव पर सप्तम दृष्टि डालेंगे। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति जातक को उसके पिता के माध्यम से, जातक को उसके कर्मों के माध्यम से, वो जो काम कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है या वो कारोबार कर रहा है, उसको फलित करके उसके माध्यम से उसे धन अर्जन कराते हैं। और जब चौथे भाव में बृहस्पति बैठते हैं और दशम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो जातक की नौकरी की संभावनाएं भी अच्छी बनाते हैं, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि यदि बृहस्पति की होती है, दशम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव होता है तो जातक एक अच्छी नौकरी में जाने की संभावनाएं बनती है और नौकरी के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकता है।
जन्म कुंडली के चौथे भाव में यदि बृहस्पति बैठेंगे तो कुंडली के बारहवें भाव पर बृहस्पति की तीसरी दृष्टि अर्थात नवम दृष्टि पड़ेगी। बृहस्पति की तीन दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो चौथे भाव में बैठकर पहली दृष्टि अष्टम स्थान पर, दूसरी दृष्टि दशम स्थान पर और तीसरी दृष्टि बारहवें स्थान पर पड़ेगी। तो जन्म कुंडली में बारहवें स्थान पर जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो जातक को विदेशों के माध्यम से धन कमाने का या अपने राज्य के दूसरे राज्यों से धन कमाने का अवसर प्रदान करेंगे। जातक को निश्चित तौर पर ऐसी जगहों से, दूरस्थ स्थानों से, जो जातक की जातक के कार्य क्षेत्र से दूर स्थान है, उन वहां ऐसे संबंध विकसित करवा करके वहां के माध्यम से भी धनार्जन कराने की व्यवस्था बृहस्पति करते हैं। जन्म कुंडली के यदि पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति होंगे तो उनकी पहली दृष्टि अर्थात पंचम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ती है। यहां बैठकर जातक को भाग्य का भरपूर सहयोग मिलता है। जातक को आध्यात्मिकता के माध्यम से आर्थिक लाभ हो सकते हैं। जातक को कोई ऐसा उसका काम जिसके होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी और वो भाग्य के भरोसे उसका वो काम हो जाता है, तो उसके माध्यम से जातक को अपनी योग्यता के अनुसार उसका पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। कुंडली के पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे, कुंडली के लाभ स्थान पर दृष्टि डालेंगे। यदि लाभ स्थान की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी है तो जातक के वारे न्यारे करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्यों? कि अगर कुंडली के ग्यारहवें भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में है तो यह तय है कि जातक धनवान होगा। लेकिन अगर ग्यारहवें भाव का स्वामी कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में नहीं है तो धन कमाने के लिए संघर्ष कराएंगे ही कराएंगे, रोकने वाला कोई नहीं है। जन्म कुंडली के पंचम स्थान में बैठकर जब तीसरी दृष्टि अर्थात नौवीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति लग्न पर डालते हैं तो जातक को सोच समझकर कदम उठाने अर्थात किसी भी आर्थिक मामले में जातक को जोखिम लेने से बचाते हैं। धन कमाने की जातक की इच्छा जरूर होती है क्योंकि धन के कारक देवगुरु की दृष्टि पड़ती है लग्न पर। जातक का धन से संबंध जरूर बनता है लेकिन जोखिम लेने की प्रवृत्ति यहां उसकी नहीं रहने देते। सोच समझकर अपने हिसाब से काम करता है जातक। जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि बृहस्पति होते हैं तो जातक को मान सम्मान पूरा मिलता है। क्यों? क्यों? जातक की दशम स्थान पर कुंडली में दशम स्थान पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ती है और पंचम दृष्टि के माध्यम से जातक को उसके कर्मों का यश मिलता है। जातक को उसके कर्म फलीभूत होते हैं। यदि दशम का स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो इसमें कोई संदेह नहीं, जातक अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन छठे भाव में बृहस्पति की ऊर्जा अवशोषित होती है, बृहस्पति उतनी क्षमता से दृष्टि नहीं डाल पाते जितनी क्षमता से पंचम स्थान में बैठकर या चौथे स्थान में बैठकर या लग्न में बैठकर डालते। छठे भाव में बृहस्पति की ऊर्जा अवशोषित होती है तो यह तय है कि जातक को संघर्षों का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन धन भी सुलभ करते हैं, उसके कर्म भी
शानदार करते हैं, उसको मान सम्मान भी दिलवाते हैं बृहस्पति। इसके बाद दूसरी दृष्टि अर्थात कुंडली में छठे भाव में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि, सप्तम दृष्टि कुंडली के बारहवें स्थान पर पड़ती है। जातक को विदेशों दूर स्थानों से पैसा दिलवाना, जातक को कुंडली में बारहवें भाव से संबंधित यानी के ऐसे माध्यमों से जहां जातक के खर्चे बढ़े हुए हो, जैसे मान लीजिए कि बारहवां स्थान व्यय स्थान है अर्थात अस्पताल के खर्चों का स्थान है, तो हो सकता है कि जातक का कोई संबंध ऐसा किसी अस्पताल में ही ऐसा कोई संबंध जातक का बन जाए कि जातक को उस अस्पताल के माध्यम से ही धन का अर्जन शुरू हो जाए। देखा गया ऐसा। जन्म कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति बैठते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि अर्थात नवम दृष्टि कुंडली में धन स्थान पर या कुंडली के दूसरे स्थान पर पड़ती है। जब धन स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, धन का कारक ग्रह जब कुंडली के छठे भाव में होता है और कुंडली के धन स्थान पर दृष्टि डालता है, यदि कुंडली में धनेश की स्थिति मजबूत नहीं है, दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत नहीं है, तो जातक को धन इकट्ठा करने में परेशानियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं होता है या वो दर दर की ठोकरें खा रहा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन धन आसानी से सुलभ नहीं होने देते। लेकिन वहीं अगर कुंडली में धन स्थान में बैठे हुए धन स्थान के स्वामी ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत है तो जातक को अपार संपत्ति प्रदान करते हैं, भले ही छठे भाव में क्यों ना बैठे हो, क्योंकि कुछ ऊर्जा छठे भाव से बृहस्पति की मिलती है और कुछ धनेश का अपना गुण होता है धन देना, तो उससे जातक को अच्छा धन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जन्म कुंडली में लग्न से लेकर छठे भाव तक बृहस्पति की दृष्टियां किस प्रकार से आपको धन कमाने के अवसर देती हैं, इस पर आज हमने चर्चा की। इस एपिसोड के दूसरे पार्ट में, लंबा वीडियो ना हो इसके लिए, इसके दूसरे भाग में हम आपसे चर्चा करेंगे कुंडली के सप्तम स्थान में यदि बृहस्पति बैठेंगे तो उनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा। सप्तम स्थान से लेकर के कुंडली के बारहवें स्थान तक बृहस्पति के बैठने पर आपको किन स्थितियों से पैसा मिलेगा या किन स्थितियों में संघर्ष मिलेगा, इसके बारे में चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक अवश्य हैं और बहुत अच्छा लगता है देवगुरु बृहस्पति का धन का कारक होना। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो जातक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसा नहीं है, देवगुरु बृहस्पति धन देते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन तपा कर धन देते हैं, मेहनत करवा के धन देते हैं, आपकी योग्यता के अनुसार धन देते हैं, आपके प्रयासों के अनुसार धन देते हैं, दो नंबर का धन नहीं देते हैं। तो इसलिए केवल किताबी बातों पर चलना ठीक नहीं, अनुभव भी आवश्यक है, प्रैक्टिकल प्रयोग भी जरूरी है। तो दोस्तों, अपने अगले एपिसोड में हम जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।